नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक और एक्साइटिंग नए वीडियो में। आजकल मैक्सिमम स्मार्टफोन प्लास्टिक या फिर ग्लास पील के साथ आ रहा है और इन सारे स्मार्टफोन दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, लेकिन इन सारे स्मार्टफोन में प्रॉब्लम होता है कि जो बैक पैनल होता है इसमें बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आ जाता है अगर आपका स्मार्टफोन प्लास्टिक पील के साथ आता हो, या फिर अगर आपके स्मार्टफोन ग्लास पील के साथ आता है तो ऐसे सिचुएशन में जो पीछे का बैक पैनल है इसमें काफ़ी ज़्यादा फिंगरप्रिंट आ जाता है और जो माजे से वो आ जाता है, इसी के साथ साथ फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी भी हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप कोई भी बैक केस को यूज़ कर सकते हो, लेकिन इससे क्या होता है कि जो स्मार्टफोन है ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा बल्की हो जाता है और इसी के साथ साथ जो वेट है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग स्मार्टफोन को बिना केस के साथ यूज़ करना पसंद करता है। तो इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप स्मार्टफोन में कुछ इस टाइप का स्किन को अप्लाई कर सकते हो। तो इस टाइप के स्मार्टफोन स्किन को अपने फ़ोन में अप्लाई करने के बाद आपके फ़ोन में कोई भी स्क्रैचेस देखने को नहीं मिलेगा, इसी के साथ साथ कोई भी यहाँ पर फिंगरप्रिंट देखने को नहीं मिलेगा और जो फ़ोन का लुक है वो भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो ये जो स्किन है ये मुझे भेजा गया है गैजेट शील्ड की तरफ से। गैजेट शील्ड एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आपको बहुत सारे स्मार्टफोन का अलग अलग टाइप का मोबाइल स्किन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको काफ़ी कमाल का यूनिक टाइप का और प्रीमियम क्वालिटी का मोबाइल स्किन देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इनके वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये जो स्किन मुझे भेजा गया है ये है Xiaomi का Mi A3 का। तो चलिए देख लेते हैं ये जो स्किन है इसका क्वालिटी कैसा है और इसको आपको अपने फ़ोन में कैसे इंस्टॉल करना है। तो जब भी आप गैजेट सील से कोई भी स्किन को ऑर्डर करते हो तो कुछ इस टाइप का पैकेज आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए पैकेज को ओपन कर लेते हैं। तो इस पैकेज के अंदर आपको एक और पैकेट देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको गैजेट सील का लोगो देखने को मिल जाएगा और इसी के साथ साथ आपको और भी डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए पैकेट को हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं पैकेट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलता है। तो पैकेट के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाता है। तो पहले आपको मिल जाता है कुछ इस टाइप का एक क्लीनिंग क्लॉथ और यहाँ पर आपको गैजेट सील का लोगो भी देखने को मिल जाता है और इसके बाद कुछ इस टाइप का आपको एक पोस्टर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा गैजेट सील की तरफ से एक कार्ड, तो यहाँ पर आपको गैजेट सील का YouTube चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इनके वेबसाइट में जा सकते हो और देख सकते हो कि कैसे आपको अपने फ़ोन में ये जो स्किन है इसको अप्लाई करना है। इसके बाद आपको मिल जाता है कुछ इस टाइप का एक स्किन। तो यहाँ पर जो स्किन है ये एक स्पेशल एडिशन स्किन है, इसलिए आपको यहाँ पर दो टाइप का स्किन देखने को मिल रहा है और इसी के साथ साथ यहाँ पर दो एक्स्ट्रा कैमरा गार्ड देखने को मिल जाता है जिसको आप चाहो तो अलग से परचेस कर सकते हो। तो इसको अप्लाई करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। सबसे पहले आपके फ़ोन का जो पीछे का बैक पैनल है इसको काफ़ी अच्छे से साफ करना होगा। तो जो क्लीनिंग क्लॉथ दिया गया है इसके हेल्प से आपके पीछे का जो बैक पैनल है इसको अच्छे से साफ कर लीजिए और अगर कोई भी स्टिकर या फिर बारकोड है तो उसको भी आप निकाल दीजिए और ध्यान दीजिए कि इसमें आपको कोई भी फिंगरप्रिंट या फिर कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए। और क्लीन करने के बाद आपके जो स्किन है इसको आपको अप्लाई करना होगा। तो स्पेशल एडिशन में दो स्किन होता है जिसको आपको 1x1 अप्लाई करना होगा और अगर आप कोई भी नॉर्मल स्किन को ऑर्डर करते हो तो आपको एक ही स्किन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो मोबाइल स्किन है इसके पीछे का जो पेपर है इसको आपको ऐसे निकालना होगा और कुछ ऐसे फोल्ड करना होगा और ये भी आपको ध्यान देना होगा कि जो स्किन का ग्लू पार्ट है इसमें आपको उंगलियों को टच नहीं करना है। इसके बाद जो कैमरा कटआउट है इसके साथ आपको काफ़ी अच्छे से अलाइन करना होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं जो कैमरा कटआउट है और जो फ्लैश का कटआउट है उसके साथ मैं अच्छे से अलाइन कर रहा हूँ और अगर अलाइनमेंट ठीक से नहीं हो रहा है तो इसको आप धीरे से निकाल दीजिए और उसके बाद फिर से ट्राई कीजिए और जब भी आपको लगता है कि अलाइनमेंट ठीक से हो चुका है तो तभी आपको इसको चिपकाना होगा। तो आप कोई भी कार्ड ले सकते हो या फिर उंगलियों के हेल्प से आपको जो स्किन है इसको ऐसे अप्लाई करना होगा और जब भी पीछे का जो बैक पैनल है पूरी तरीके से कवर हो जाता है तभी आपको जो साइड का जो पार्ट है इसको आपको ऐसे दबा के इसको चिपकाना होगा। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपको एक लाइटर लेना है या फिर आप कोई भी हेयर ड्रायर को भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको जो साइड का पार्ट है इसको आपको थोड़ा सा गर्म करना होगा लाइटर या फिर हेयर ड्रायर से और उसके बाद काफ़ी अच्छे से आपको इसको चिपकाना होगा कुछ ऐसे। और जो कॉर्नर का पार्ट है इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा, तो साइड में आपको कुछ ऐसे यहाँ पर हीट अप्लाई करना होगा और इसको आपको दबा के ऐसे शेप देना होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो पहला पार्ट था स्किन का वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो चुका है। तो बिल्कुल ऐसे ही जो दूसरा स्किन है जो कि नॉर्मली स्पेशल एडिशन में आता है उसको भी मैं यहाँ पर चिपका देता हूँ और अप्लाई करने के बाद आपका फ़ोन कुछ ऐसे दिखाई देगा।
तो अभी बात कर लेते हैं ये जो मोबाइल स्क्रीन है इसका क्वालिटी कैसा है। तो इसका जो फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रीमियम है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका जो कटआउट है बिल्कुल परफेक्ट है और जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है। और इसमें आपको कुछ इस टाइप का एक पैटर्न देखने को मिल जाता है जिसकी वजह से जो फ़ोन का लुक है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। और जो ब्लैक और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि MI A3 का जो पीछे का बैक पैनल है वो ग्लास का बना हुआ है जिसकी वजह से फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है। तो इसको अप्लाई करने के बाद इसका जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो गैजेट सील का जो मोबाइल स्क्रीन है इसका जो क्वालिटी है वो नो डाउट काफ़ी बढ़िया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप भी गैजेट सील से इस टाइप के स्क्रीन को अपने फ़ोन के लिए ऑर्डर कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको कैसा लगा ये स्क्रीन आप ज़रूर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी सजेशन हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाला जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। फिर मिलता हूँ मैं एक और एक्साइटिंग नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।